नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी की खास पेशकश विधानसभा की पड़ताल। और आज हम विधानसभा की पड़ताल में पहुंच चुके हैं सुजानपुर। सुजानपुर से राजेंद्र राणा कांग्रेस के विधायक हैं और अभी वर्किंग प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस में पीसीसी के। और क्या यहां के लोगों की समस्याएं हैं, क्या लोगों ने 5 साल के उनके कार्यकाल में लोग संतुष्ट हैं, जानने की कोशिश करते हैं। अपना नाम बताइए। रमेश चंद। कितने साल से काम कर रहे? 35-40 साल हो गए। यही पे ही? नहीं, पहले होमगार्ड में था मैं। तो कैसा है काम? कम है? आई काम बिल्कुल नहीं है। क्या वजह क्या है, क्यों नहीं खरीदारी कर रहे? महंगाई 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 का असर है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और लाए तो खरीदारी भी कम करते हो? इसीलिए। क्या क्या है आजकल, क्या क्या रखा है? ये सेब है, नारियल है, केला है, बाकी और क्या रखे। अच्छा, यहाँ के लोगों की क्या प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं क्या हैं? समस्या महंगाई की थ्रू जो है बहुत दुखी हैं लोग। महंगाई बहुत ज़्यादा, क्या करेंगे, चूल्हा चलाना बड़ा मुश्किल है। परिवार कहाँ रहता है आपका? घर में रहता है। वहाँ पे सड़कें सुड़कें ठीक है? वहाँ की क्या दिक्कतें हैं? वो सड़कें तो टूट फूट ऐसे ही पड़ी है जब से धूम था ना, क्या बिल्कुल उसने बनवाई, उसके बाद किसी ने नहीं बनवाई ना, उसके बाद बनवाई नहीं, जब से धूम चले गए ना यहाँ से, तो उसके बाद किसी ने पूछा ही नहीं। ये इधर बस वो गड्ढे गुड्ढे मिट्टी डाल देते हैं बस। अच्छा, ये बस स्टैंड है, बस स्टैंड के आसपास कैसा, यहाँ साफ सफाई कैसी है? साफ सफाई तो ठीक कर जाते हैं ना सिर पर, बाकी ये गड्ढे गुड्ढे देखो कैसे पड़े हैं इधर, ये है और कुछ नहीं। विधायक जी आते हैं कभी? राजेंद्र राणा जी आते हैं पर इधर खड़े नहीं होते, ऊपर चले जाते हैं। लोगों के साथ बातचीत नहीं करते? करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, करते हैं। कैसा उनका 5 साल कैसे रहे उनके? अच्छे रहे, घर घर में जाकर सुसान पता पूछते हैं, वो मरीज का पूछते हैं, कोई डेथ हो जाए तो उनका पूछते हैं। हाँ, पूछते हैं घर में जाकर। क्यों 5 साल के उनके काम कुम किए उन्होंने इधर? तो बस अड्डे पर तो काम किया, किए कुछ नहीं किया। ये तो हमें दुकानें डाल के अनुराग सर ने दी हैं, वो भी वेंटिलेटर कोई नहीं रखा, हवा के लिए कुछ नहीं है, सामान हमारा ख़राब हो रहा है। जब बोलिए तो सरकारी संपत्ति है, आप भी खुद नहीं बना सकते हैं। हमने बोला ना ये उसे कि हम खुद ही बना लेते हैं वेंटिलेटर हवा के लिए, तो बोलते नहीं सरकारी संपत्ति है, तो हमारा तो सामान देखो क्या होता है। इस बार क्या लग रहा है, माहौल क्या है यहाँ बीजेपी की कांग्रेस? नहीं, इस बार क्या माहौल है? माहौल तो बीजेपी का ज़्यादा चला हुआ है, ज़्यादा चला हुआ। काम राणा जी ने किए? काम तो राणा ने भी किए हैं, उन्होंने भी किए, एक दो पॉइंट उन्होंने भी दे दिए। बाकी हम गरीब लोग हैं, रोजी रोटी कमानी है, रोजी खानी है, हमारा तो कोई सोच नहीं। मीरपुर में 700 रुपया किराया, इनका 1200 रुपया किराया। वो डिस्ट्रिक्ट है ये, क्या तहसील तो है, 700 रुपया किराया मीरपुर की दुकानों का है, इधर 1200 रुपये। बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। चलते हैं आगे, देखते हैं, कुछ कोशिश करते हैं। यहाँ पर नाम बताइए। अशोक कुमारी। अशोक जी, क्या समस्या है यहाँ? समस्या है यहाँ की अड्डे का बहुत बुरा हाल है यहाँ, बाकी तक ठीक है। बस अड्डे में तो बहुत बसें आती हैं, बड़ी धूल मिट्टी, धूल मिट्टी बहुत गाता है, पानी भर हो जाता है पूरा, बहुत समस्या है। बारिशें हो रही हैं आजकल, बरसातों में कैसा? बहुत बुरा हाल है। आते नहीं कभी विधायक जी, कोई देखते नहीं यहाँ, बात नहीं करते कुछ, आके क्या है यहाँ पर कैसे? मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने दे लॉन्च करके 50 लाख रुपया, देखेंगे अभी। क्या लोग क्या देख रहे हैं, अपनी समस्याएं, अपनी प्रॉब्लम्स कैसे उठाते हैं लोग, करते हैं कुछ शिकायत, क्या कर सकते? कोई पता नहीं, कभी हमें टाइम नहीं लगता है दुकान से छोड़ के, पता नहीं। अच्छा, ये जो आने वाले जो चुनाव है, अब चुनाव आ रहे, क्या इसमें असर दिखेगा, क्या मुद्दे कह रहे हैं? ये तो आने वाला टाइम बताएगा, इससे कुछ नहीं बोल सकते। तो वैसे क्या लग रहा है, मजबूत स्थिति बीजेपी की लग रही है, कांग्रेस की लग रही है? ये तो देखो, ये पब्लिक का कोई पता नहीं होता है, अब आजकल अपने घर का नहीं पता होता किसको वोट डालना है। इस बार क्या मूड है, कांग्रेस या बीजेपी? देखेंगे जब कौन खड़ा होगा, कौन नहीं, तभी पता लगेगा। जो नेता है, नेता कैसा नेता चाहिए यहाँ पे? नेता ऐसा होना चाहिए जो काम करने वाला होना चाहिए, ऐसा है, ईमानदार काम करने वाला होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। चलते हैं आगे। नाम बताइए। मेरा नाम है संसारी लाल। संसारी लाल जी, कितने साल से काम कर रहे हैं? हमारे को तो हो गए 20-22 साल। आपने तो बहुत कुछ देखा होगा, बदलाव भी देखा, बहुत बड़ा ही पारी। बस अड्डे की क्या हालत? बस अड्डे की तो बहुत बुरी हालत है। आसपास के गांव के लोग भी तो आते होंगे? बहुत लोग आते हैं यहाँ। क्या
विधायक जी ने कुछ किया पिछले 5 साल? ये तो आप विधायक के जाने, हमारे को कोई पता नहीं इसके बारे में। तो लोगों का क्या मन है कि कैसा नेता होना चाहिए इस बार, जो है वो सारी दिक्कतें खत्म? हम सोचेंगे बाद में। अभी तो चुनाव आने वाले हैं, अभी तो मन बना लिया? बात नहीं, अभी तक कोई मन नहीं बनाया है। अच्छा, समस्याएं कम हुई कि नहीं? समस्या कोई नहीं हुई अभी तक। क्या नाम है आप? दलजीत कुमार। कहाँ से आए? हम ब्रडाम कांगड़ा से। क्या सर, यहाँ पे हिमाचल में क्या मूड लग रहा है इस बार? क्या लग रहा है बीजेपी? इसमें कोई भी नहीं लग रहा है, कोई भी नहीं लग रहा है। आप समस्याएं देख रहे हैं, पिछले 5 साल में बदलाव हुआ कुछ हिमाचल में? हिमाचल में क्या बदलाव हुआ है? कोई समस्याएं कम हुई लोगों? समस्याएं बड़ी बड़ी हुई हैं, कम नहीं हुआ। अच्छे दिन आने वाले हैं। सिलेंडर 450 का था, वो 1100 से निकल गया है, क्योंकि जो घरेलू है परेशानी बहुत ज़्यादा आ रही है। गाँव का जो इंसान है, गाँव के जो लोग हैं, क्या उनको वो चीज़ें मिल पाई जो 5 साल के लिए उन्होंने विधायक को या सरकार को? नहीं, कुछ नहीं मिला है। क्या कमी क्या रह गई? सरकार तो बोलती है सब कुछ मिला और भी दे रहे। सरकार तो बड़ा कुछ बोलती है, सरकार तो एक रोजगार मिल रहा है सब। हमें तो किसी की भी कोई नौकरी या समस्या नहीं है किसी चीज़ की, कोई भी। लेकिन अब बदलाव जो है वो देख रहे हैं लोग, की बदलाव करने की जरूरत है या मिशन रिपीट? पंजाब में भी क्या हाल है आप देख लो, किसी को कोई भी यानी कि कोई सिरा पैर नहीं लग रहा है। यहाँ पर तो आम आदमी पार्टी की नहीं, आम आदमी पार्टी तो वैसे कह रहे हैं, पर फिर भी देखो क्या बनता है आगे। शुक्रिया बात करने के लिए। कुछ महिलाएं हैं गांव से, यहाँ पर लोग आते हैं। मैडम नमस्कार, क्या नाम है आपका? शांति देवी। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? लोग दरियारा से। महंगाई महंगाई कैसी है? महंगाई बहुत ज़्यादा, घर चलाना मुश्किल होता, मुश्किल हो गया। हाँ जी, क्या करते हैं, कैसे अब आगे कुछ करेंगे, क्या करेंगे? क्या करना, हम तो क्या करना, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, वो भी खत्म हो गई हमारे से। बसें बुसें हैं गाँव के लिए, कनेक्टेड हैं? बसें जाती है, जाती है। हाँ, 3-4 बसें हैं। लोग खुश हैं यहाँ के? खुश हैं, खुश हैं। अपना नाम बताएं? अमिता। कहाँ से आते हैं? मैं तो हमीरपुर से हूँ। हाँ जी, क्या सरकारें क्या करती हैं, वादा करती हैं फिर भूल जाती हैं या पूरा करती हैं? कुछ वादे वो पूरे भी करती हैं, कुछ वादे वो भूल भी जाती हैं। हाँ। लोगों को तो इसका फ़र्क पड़ता है? हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा फर्क, मुझे खुद फर्क पड़ रहा है। मैंने इतनी स्टडी की हुई है पर अभी तक जॉब नहीं है। क्या इसका सोल्यूशन क्या है? लोग तो बोल रहे हैं कि जॉब्स मिल रही हैं, सरकारें बोल रही हैं हम तो बहुत जॉब्स देंगे अब आने वाले टाइम, तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जनता को ही जागना पड़ेगा, अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि सरकार तो हर बार ऐसा ही करती है, बोलती है फिर मुकर जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जनता को ही जागना पड़ेगा। अब बोलते हैं युवा जो है देश का भविष्य है, अब उनको अगर बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा तो कैसे? मतलब सामना करना पड़ रहा है अभी, सभी कितने सारे लोग हैं अभी। JBT का ही लिया जाए तो मतलब उसका कमीशन हुआ था, मैं आपको बताऊँ 2018 में कमीशन हुआ था, अभी जाके उसका रिजल्ट निकला। कमीशन जो है साल में एक बार निकलता है, तो उसका कमीशन अभी जाके निकला, तो हम इतने बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो हमें तो बहुत दिक्कत आ रही है। तो सरकार को थोड़ा हमारे बारे में भी सोचना चाहिए इन सारी चीज़ों का। अच्छा, इस बार जो है क्योंकि 5 साल जो उन्होंने वादे किए थे पूरे हुए क्या सरकार की तरफ? हाँ, लिटिल बिट पूरे किए हैं उन्होंने, ऐसे नहीं बोलूँगी कि पूरे नहीं किए, पर लिटिल बिट उन्होंने पूरे किए हैं। जनता अभी मतलब कि बदलाव के मूड में है या इसी सरकार के ऊपर अभी फिर से दाव खेलें? हम तो सोच रहे हैं कि बदलाव हो, बट हम सभी का नहीं बोल सकते ना इस बारे में कि बदलाव होगा कि नहीं होगा। बट मैं ये बोल रही हूँ कि अगर यही सरकार दोबारा से आती है तो हमारे वायदों को पूरा करे, अगर नेक्स्ट आती है तो वो भी पूरा करे। मतलब हम यही चाहते हैं कि बेरोजगारी को कम करें। अच्छा, नेता कैसा होना चाहिए, यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, कैसा नेता होना चाहिए? करप्शन लेवल है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सी विधानसभाएं हमने देखी करप्शन है वहाँ पर? हाँ हाँ, बहुत करप्शन है। मैं यही चाहती हूँ कि नेता वो हो जो जनता को देखे, जनता की ज़रूरतों को समझे, उनको पूरा करे। हाँ, मैं जानती हूँ कि पूरी नहीं कर सकते हैं, बट हमें 75% तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जनता की ज़रूरतें पूरी हो। हाँ जी। अच्छा, ये सरकार ने अभी कुछ हाल ही में ना महिलाओं के लिए बड़ी फैसिलिटीज़ दी, ये कहा कि भी हम तो किराया कम कर रहे हैं बसों में, लेकिन कैसे लोग कैसे देख रहे हैं, महिलाएँ कैसे देख रही हैं उनके इस डिसीज़न? महिलाओं के लिए तो ये सबसे बेटर है कि उनको 50% जो है वो छूट मिल गई किराए, पर बेचारे पुरुषों का देखा जाए तो उनके लिए तो लॉस है इस चीज़ का। घर में भी बात होती होगी तो? जी जी, होती है कि महिलाओं के लिए तो वो छूट मिल रही है, हमें कोई छूट नहीं मिल रही है, बट अच्छा है मतलब हिमाचल में ये 50% छूट मिल गई। लेकिन महंगाई, मैं खुद हैप्पी हूँ। अच्छा, महंगाई का कोई असर देख रही है?
महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मैं चाहती हूँ कि हर कोई जो वो पे नहीं कर सकता इतना ज़्यादा, मतलब तेल की कीमतें इतनी बढ़ रही है, दालों की, सब्जियों की, तो मुझे लगता है कि थोड़ा जनता की भी ज़रूरतों को ध्यान में रख के उनको थोड़ा रखना चाहिए जनता के हिसाब से। हाँ, अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, मैं ये जानना चाह रहा था कि इस बार पार्टियाँ बहुत हैं, आम आदमी पार्टी है, बड़े बड़े वादे कर रही हैं और गारंटियाँ दे रहे हैं, कांग्रेस ने भी गारंटी दी है, बीजेपी तो कह रही है कि थोड़ा और समय मिल जाता, कोविड से परेशानी थी तो अच्छा हो जाता काफ़ी, आपको क्या लग रहा है तीनों पार्टियों में से कौन या कोई और भी विकल्प हो सकता है? ये तो मैं कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि ये तो आपको पता है, आप खुद, मतलब मैं किसी और को, आप किसी और को, तो हम किसी एक का बयान तो दे नहीं सकते कि चाहिए। हाँ, मतलब मैं यही बोलती हूँ कि जो भी सरकार आए वो जनता के वायदों को पूरा करे और ये जो बेरोज़गारी करप्शन फैला हुआ है इसको बंद करे और जितना हो सके मतलब बेरोज़गारी को कम करे और हमें जॉब दे सबसे पहले। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं, कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं क्योंकि लोगों की अलग अलग राय है और लोग अलग अलग तरीके से बात जो है वो यहाँ पर कह रहे हैं अपनी, और ऐसे में क्या लोगों की समस्याएं हैं, क्या लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, इसको जानने के लिए जनता टीवी की टीम जो है वो यहाँ पहुँची है। फल विक्रेता जो है वो यहाँ पर सब्जी बेचते हैं, एक मैम हमारे साथ है, अपना नाम बताइए। मेरा नाम बीना कुमार। अच्छा, यहाँ पे बस अड्डे में आप कितने साल? साल हो अभी तक। क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या समस्याएं हैं? बस रोड ही नहीं ठीक होते, खाचे से बैठना पड़ता। हाँ जी, बरसात भी तो थी इस बार तो ज्यादा। हाँ जी, बरसात में कितनी दिक्कत? बहुत ज्यादा। क्या, क्यों काम क्यों नहीं हुआ, क्या इसका काम के लिए बोला तो है? बोला तो है पर हुआ नहीं काम तो। यहाँ के विधायक जी आते हैं कभी? कभी कभी याद आए तो काम गुम किए उन्होंने? ये तो कमेटी वालों में होगा पता शायद। दिखता है कुछ, मतलब कोई विकास किया उन्होंने यहाँ, कोई काम किया? कुछ नहीं किया, तो कुछ नहीं हुआ हमारे अड्डे पे, मेन तो हमारे यही प्रॉब्लम है ना यहाँ। तो इस बार क्या सोच रहे हैं आप, विधायक बदलेंगे क्या करेंगे? देखते हैं, चुनाव आने वाले, अब देखना पड़ेगा। हाँ जी, महंगाई का असर है। हाँ जी, बहुत ज्यादा। बात करने के लिए शुक्रिया। तो आगे की तरफ चलते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं, क्या यहाँ पे लोगों की समस्याएं हैं? कुशल कुमार। यहाँ यही दुकान है आपकी? है। हाँ जी, हाँ जी। कितने साल से कर रहे हैं? हो गई 10-15 के साल। अच्छा, आपने तो बहुत कुछ देखा होगा यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। तो ये बस अड्डे की हालत ऐसी है क्या? ऐसी ही है। तो बनाया क्यों नहीं इन्होंने? अभी जो साहब आए थे वो कर गए, दे गए पैसा, लगेंगी टाइलें टूटे अभी। धूमल साहब तो अभी पीछे चुनाव लड़े थे, राजेंद्र राणा जी ने हरा दिया, वो तो अभी क्या बोल सकते अभी। विश्वास बना अब राजेंद्र राणा जी का कि नहीं बना? हाँ जी, राजेंद्र राणा जी काम करते हैं इस बार, उनकी सरकार ही देती है, क्या काम करेंगे। ये कह रहे हैं आपकी राजनीति का शिकार हो गए राणा जी हैं, अगर उनकी सरकार होती तो अच्छा काम होता। सब कर ही देते हैं, चलो जो बोले बोलते हैं वो कर देते हैं। मिलना जुलना कैसा लोगों के साथ? ठीक है, घर घर जाते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। इस बार क्या लोगों का मूड है, कांग्रेस या बीजेपी? इस बार तो अभी क्या बोल सकते हैं, अभी सब बोलना पड़ेगा, अब चुनाव आने वाले, ज्यादा टाइम कहाँ बचा है। इस बार तो अभी मोदी की काम कैसा किया पिछले 5 साल में सरकार? सरकार ने काम ठीक ही किया, ठीक किया। कांग्रेस की सरकार में काम अच्छे होते थे? कितने काम, कितने अच्छे थोड़ी होते थे जितने इन्होंने किए। महंगाई तो बढ़ गई? महंगाई तो अभी वो तो सबको झेलनी पड़ेगी ना, ऊपर से कोरोना का वो कितना लोगों ने दे दिया, सबको झेलना पड़ेगा। वो तो कोरोना का असर दुकानदारों पे भी तो पड़ा। हाँ पड़ा, क्यों नहीं पड़ा, बड़ा मुश्किल, बड़ी मुश्किल हो गई। तो इस बार फिर जयराम जी को दे रहे कमाना? हाँ जी, इसे जयराम जी बनाएंगे मुख्यमंत्री, चलो देखते हैं माहौल उसी हिसाब से देंगे। शुक्रिया बात करने के लिए, शुक्रिया। इसी बीच अब क्योंकि सुजानपुर के बाज़ार में अब एंट्री जो है वो हमारी हो रही है और यहाँ तक लोगों की जो भी आवाज़ है वो हमने आपको बताई और अलग अलग लोगों की राय जो है वो भी जनता टीवी के माध्यम से यहाँ पर दिख रही है। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर होंगे और लगातार जनता टीवी पर विधानसभा की पड़ताल जो है वो जारी है।